के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में ये स्क्वायर रूट फंक्शन का क्या काम रहता है। तो मैथ में स्क्वायर रूट करने का मतलब है कि आप किसी भी अंक का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई हमारा अंक दिया हुआ है, उसका हम लोग वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप किसी भी अंक का वर्गमूल निकाल कर देखते हैं। तो यही पे या कहीं पे सपोज कीजिए कि हम लोग इस साइड किसी अंक का निकालते हैं, तो आप लिखिए इजिकल टू लिखिए SQRT स्क्वायर रूट लिखिए, और सपोज कीजिए कि हम लोग को चार का वर्गमूल जानना है, लिख के इंटर मारिए, देखिए इसका वर्गमूल दो हुआ, आपको दो दिखाया। इसी तरह से किसी भी अंक का यहाँ पे लिखिए SQRT और सपोज कीजिए कि हम लोग को ये दो का वर्गमूल चाहिए, ये देखिए आपको दिखाया 1.414। तो ये पॉइंट ज़्यादा दिया, अब हम चाहते हैं कि इसका पॉइंट कम तक देखें, तो आपको हम पहले पढ़ाए हुए हैं इनक्रीज डेसिमल डिक्रीज डेसिमल में, आप इसको डिक्रीज डेसिमल करिए ताकि पॉइंट आप कम अंक तक भी, तीन अंक तक भी देख सकते हैं, आप जितना चाहे चार अंक तक, तो चार अंक का वैल्यू दिखाएगा। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट है, इसी चीज़ को हम लोग फॉर्मूला में जाके मैथ फंक्शन के अंदर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैथ फंक्शन के माध्यम से जा करके हम लोग इसमें से ये इसका हम लोग यूज करके देख सकते हैं SQRT का। तो यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे मैथ वाला यहाँ पे है, इसको खोजिए, इसमें आपको एस वाले अल्फाबेट कली में आपको जाके यहाँ पे मिलेगा। तो इसमें आपको SQRT मिलेगा, आप इसको नीचे से आए, आपको जहाँ मिल जाए इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे आया, ये देखिए स्क्वायर रूट लिखता है, रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे नंबर पूछता है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, सपोज कीजिए कि 25 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देख सकते हैं दे रहा है रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इजकल टू 5, आप इंटर लिख के इंटर मारिए तो आपको यहाँ दिखाया। तो इस रूप से हम लोग भी इसका स्क्वायर निकाल के दिखा सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ नंबर डाले हैं, तो कुछ नंबर का भी हम चाहे तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे लिखिए SQRT स्क्वायर रूट दीजिए, और सेल रेंज नंबर कहता है, तो आप सेल रेंज भी दे सकते हैं, आप सेल रेंज लिख के इंटर मारिए, एक निकल गया, और इसको पकड़ के आप खींच देंगे तो जितना भी आपका एक साथ जितना भी होगा सारा निकल जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे चार का वर्गमूल आपको दो हुआ, 3 का 1.732 दिया, 5 का दिया, 6 का, 8 का, जो भी आप नंबर डाले हैं उसका दिखा सकता है। इसके अलावा हम लोग इसका भी चाहते हैं, तो लिखिए SQRT लिखिए, और हम लोग वर्गमूल देते हैं, सेल एड्रेस देते हैं, इस सेल का निकालेगा, तो यहाँ से ही पकड़ के खींच दीजिए और इस टाइप से आपका इसका वर्गमूल निकाल देगा। तो कम अंक का निकाल के देखते हैं, कम अंक का निकालने में आपको समझ में आएगा कि किसका कौन सा वर्गमूल है। देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है, हम लोग जानते भी हैं, आप यहाँ पे देखिए 6 का, 7 का, 8 का, जो भी डाले हैं इसका दिखाता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो जो हम लोग को समझ में आता है, इसके अलावा जो नहीं है वो पॉइंट में भी निकाल कर दिखाता है। तो इस तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग जान सकते हैं। यहाँ भी हम लोग लिखे हैं, आप मैथ वाले से चल के फिर से स्क्वायर रूट हम लोग इससे करके देखते हैं कैसे निकालता है। तो PQRS वाले में अल्फाबेट करिए आप आएंगे, तो यहीं पे आपको स्क्वायर रूट मिलेगा यहाँ से, फिर रेंज दे लीजिए, सपोज कीजिए कि ये वैल्यू है नहीं लेकिन फिर भी हम स्क्वायर चाहते हैं, आप इसको ओके करिए और ये देखिए ये दे दिया, और इसको पकड़ के इसको खींच देंगे तो किसी भी भारी से भारी, बड़ा से बड़ा अंक का भी हम लोग वर्गमूल निकाल के देख सकते हैं। तो एक्सेल के अंदर में, मैथ फॉर्मूला के अंदर में, मैथ के अंदर में हम लोग किसी भी स्क्वायर रूट का वर्गमूल निकाल के देख सकते हैं। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।